कासगंज गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की कासगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोली से घायल बदमाश एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र के कस्बा धुमरी का रहने वाला संतोष उर्फ संतरा बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 4 खोखा, 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। पुलिस एसओजी टीम की इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य इलाके की है। एएसपी जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान में मुश्किल थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक स्प्लेंडर बाइक पर 2 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने दोनों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गोली से घायल बदमाश के खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। 25,000 का इनाम भी कासगंज पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश संतरा को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज दिनांक 10/11/2022 की रात्रि में थाना क्षेत्र सिकंदरपुर वैश्य के खड़ुया गांव में सितारा मोड़ के पास सिकंदरपुर वैश्य प्रभारी निरीक्षक की टीम और एसओजी प्रभारी की टीम के द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी हुई है। उसको उचित ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि इसका नाम संतरा और संतोष है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके साथ ही यह गैंगस्टर मुकदमे में वांछित भी है। साथ ही जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इसके ऊपर पुरस्कार भी घोषित है। इसको यहाँ जिला अस्पताल ले आकर के उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, साथ ही विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं? इसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।